बैठो बैठो। मामला क्या है? मामला तो सिर्फ 25 लाख रुपए का है राणा साहब, लेकिन जो आदमी हजम कर गया है वो है सोनू बदमाश दादा। दादा तो इस दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। बोलो बात क्या है? आज से 5 साल पहले सोनू क्लब खोलने के लिए मुझसे 20 लाख रुपए कर्ज ले गया था। सूद मिलाकर आज 25 लाख हो गए। उसके घर और क्लब के कई चक्कर काट चुका हूं, लेकिन लौटाने का नाम ही नहीं लेता। आते मंगल को यहां आकर तुम अपने 25 लाख रुपए ले जाना और उसमें से ब्याज के 5 लाख तुम अपने नाम से कस्तूरबा अनाथालय को दान कर देना। सोनू को उठा लाओ। राणा साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी डीके से बरसों पुरानी दुश्मनी है। जी हाँ, यही। और हम ये भी जानते हैं कि डीके और उसका दूसरा भाई रिक्कू दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और उनका तीसरा भाई सोनू अपने भाइयों के बलबूते पर सेठ गोर्धनदास के 25 लाख रुपए हजम कर गया। लेकिन सोनू को छेड़ने का मतलब होगा हमारी डीके के साथ और गहरी दुश्मनी। दुश्मनी और दोस्ती अगर गाड़ी ना हो तो उसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू। हमें सोनू जिंदा चाहिए 24 घंटे के अंदर। इस काम के लिए मुन्ना और ताहिर को भेज दें। हमें सोनू को उठवा कर लाना है, जिंदा मुर्दा नहीं। तो फिर ये काम कौन करेगा? सिर्फ एक आदमी, और तुम लोगों ने अभी उसे देखा भी नहीं, और सोनू कभी ख्वाब में भी नहीं सो सकता कि वो हमारा आदमी होगा। कुछ ही दिनों से वो हमारे साथ काम कर रहा है, नहायत चुस्त, चालाक और फुर्तीला।